अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। एंड देन नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया और मैं यूनिवर्सिटी के लिए अब रेडी होने जा रही हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोड पर और अपनी वैन का वेट कर रहे हैं और मेरी बहन भी मेरे साथ बैठ के वेट कर रही है और अभी तक वैन नहीं आई, बट अब वैन आ चुकी है और अभी हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का सफ़र। सो लेट्स गो। सो अब हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और यहाँ से यूनिवर्सिटी की पार्किंग एरिया स्टार्ट होता है। बसेस वैन खड़ी हैं जो मॉर्निंग वाले का वेट कर रही हैं और मेरी इवनिंग की शिफ्ट है, तो अभी मैं उतरूंगी और गेट पे मेरा बैग चेक होगा, आईडी कार्ड चेक होगा, देन मैं एंटर हो जाऊंगी। और उसके बाद अभी मैं अपने डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी हूँ 5 मिनट की वॉक के बाद, क्योंकि मिड में यूनिवर्सिटी के मिड में मेरा डिपार्टमेंट आता है और ये आप देख सकते हैं आईटी ब्लॉक और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। और अभी मुझे बैठ के वेट करना होगा अपनी फ्रेंड्स का, क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ क्योंकि मेरी वैन वालों की क्लासेस जल्दी थी। गाइस मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं और हम लोग अभी बैठ के ग्राउंड में लंच कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर फ्री, और साथ में मेकअप की बातें हो रही हैं क्योंकि हम लोगों का फंक्शन है और उस पर कौन सी लिपस्टिक यूज़ होगी मेरी फ्रेंड्स ये डिस्कस कर रही हैं। साथ में वेदर आप देख सकते हैं आज कितना मज़े का है, क्लाउडी सा वेदर है, साथ में थोड़ी सी सनशाइन सी है। हम लोगों ने ग्राउंड में बैठ के माल्टे खाए, देन बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और ग्राउंड में आज लड़कियां भी सब बहुत इंजॉय कर रही थी और वहीं पे कुछ लड़कियां जो हैं वो काइट फ्लाई कर रही थी और बहुत मज़ा आया उन्हें देखने का, क्योंकि वो पूरा ग्रुप बहुत इंजॉय कर रहा था और उन्हें देख के हम सब ग्राउंड में बहुत इंजॉय कर रहे थे। और वेदर भी इतना कूल था कि सब इंजॉय करना चाह रहे थे इस वेदर में। और हम लोग बाद में बैठ के सब डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम लोग 1.5 घंटे के लिए फ्री हैं तो हम लोग क्या करें, कुछ मज़े का प्लान करो यार, कहीं चलते हैं या फिर कुछ बातें कर लो या कुछ वीडियोस कुछ बनाओ। और देन हम लोगों ने इतनी लंबी डिस्कशन के बाद एक वीडियो बनाई फनी सी, तो अभी मैं अपने डिपार्टमेंट में आ चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर लगना स्टार्ट हो गए हैं फन फेयर के। और अभी मैं अपनी क्लास में जाऊँगी जो है कि हायर लैब में होगी, और मेरे आने से पहले सब लोग आ चुके हैं क्योंकि मैं किसी काम से चली गई थी। और अभी मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं अपनी चेयर पर, मैं बैठूँगी, वो लोग मेरा बैग पहले ले आए थे और ये कुछ डिस्कस कर रहे थे आई थिंक सो काम के बारे में। सो अभी मैम क्लास में आ चुकी हैं और वो LED ऑन कर रही हैं आई थिंक सो, और ये भी कुछ लेट कमर्स आ रहे हैं क्लास में हैं जो कि पीछे रह गए थे। हम लोगों ने वो लिखा और ये मैडम
घर अच्छा अपा मार के गूगल से नहीं थी, और मैम को कहती हैं कि मैम मैंने खुद लिखा है, ये झूठी। और ये इस बंदी ने मैम ने कहा था इन तीन, ये कॉन्फिडेंशली इंटीग्रेटी और किसको यूज़ करना था अवेलेबल, इसको यूज़ करके आपने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की वो लिखनी थी डेफिनेशन, उसने इन तीन वर्ड्स को डेफिनेशन लिखी। और ये महान बंदे इसने पता नहीं किससे छापा मारा है, और मैम अभी उनका चेक कर रही है। सो अभी चल रही है हम लोगों की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की क्लास, और ये मैम सबका काम पहले चेक करेंगी, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करेंगी। और अब लेक्चर ख़त्म हो चुका है, डेढ़ घंटे की क्लास थी, 1.5 आवर, जो कि मैं बैठ बैठ के थक गई थी और बोर भी हो गई थी। और अब मैं जा रही हूँ थोड़े टाइम के लिए बाहर, बिकॉज़ नेक्स्ट क्लास भी है और वो मैम भी फ़ौरन आ जाएंगी। सो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा फ़्रेश हो जाऊँ, और बाहर आते ही मौसम इतना कूल था, इतना मज़े का मौसम हुआ था, ऑरेंज ऑरेंज सा हुआ हुआ था बाहर आसमान। और मैंने सुबह से अपना हिजाब नहीं ठीक किया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना हिजाब ठीक कर लूँ, देन क्लास में बैठूँ, क्योंकि मैं थोड़ी एक्टिव लगूँगी अगर मैं अपने आप को थोड़ा सेट वेट कर लूँगी तो। सो यहाँ पे एक और लड़की आ चुकी है मेरे साथ, सो मैंने पहले अपना हिजाब सेट किया, देन अगेन वापस अपनी क्लास में जाना है, तो अच्छे से हिजाब सेट कर रही हूँ अभी भी मैं। और अभी मैं अपनी क्लास में वापस जा रही हूँ, और जाने से पहले मुझे मेरी क्लास फेलो बायरी मिल गई इकड़ा, ये बहुत कूल सी बंदी है। और अभी हम लोग वेट करें अपनी मैम का, और मैम आ चुकी हैं। मैनेजमेंट की क्लास है, बिजनेस टाइप का कुछ सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का क्योंकि मैम बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। और अभी मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, और अभी मुझे अपनी चेयर पे बैठना होगा, बिकॉज मैं बाहर थी, मैं खा रही थी कुछ, तो वो लंच ख़त्म करके अंदर आना होता है। और अभी मैम हमें एक्सप्लेन कर रही हैं पेपर के बारे में कुछ। फिजिकली कौन सी चीटिंग होती है हमारी, पेपर पेपर चेंज करना, फिजिकली अच्छा बोलती फिजिकली बोल पेपर चेंज करना एक का बस सरस ठीक है। मैं भी समझा। सो अभी हमारे लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं, और हम लोग कैंटीन आए थे, वहां से हम लोगों ने चिप्स लिए, और अभी हम लोग फ्री हैं। और हम बाइक ग्राउंड घूम रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, जैसे मैंने पहले ही बताया। और सामने से मेरी बहन और उसकी दोस्त आ रही थी, और वो लोग पता नहीं क्या बातें करके हंस रहे थे, आई थिंक सो मेरे बारे में कोई बात कर रहे थे। जब मैं उनके पास गई तो कहते नहीं कोई बात नहीं, हम आपके बारे में कर रहे थे। और अभी हम लोगों ने पूरी यूनिवर्सिटी घूमी, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाए, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। बैक साइड पर हम लोग काफ़ी टाइम बाद आए, बिकॉज़ कोविड की वजह से 2 साल तो वैसे यूनिवर्सिटी बंद रही, तो अभी रिसेंटली ओपन हुई, तो क्लासेस पेपर्स ये वो, तो हम बैक साइड पर आज काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। और यहाँ पे ये नया कोई ई रोज़गार प्रोग्राम का कुछ वो ऑफिस वगैरह बना है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत मज़े का है अंदर से। हम लोगों ने भी विज़िट कुछ दिन पहले किया, और यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फ़न फेयर के लिए, पिक्चर्स के लिए कौन सा एरिया बेस्ट है। और मेरी अच्छी वाली दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त है ना, वो लगी हुई है कि उसने इस टैंकी के ऊपर चढ़ के यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है, विच इज़ सो फनी है। तो अभी ये कुछ गर्ल्स बैठ के प्रोजेक्ट बना रही है अपने FIP का, यानी कि फाइनल ईयर्स है जिनका 8th semester है, वो लोग कुछ ना कुछ अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हैं, तो वो लोग शायद उस पर काम कर। सो अभी 5:30 हो चुके हैं, और ये ऑफ टाइमिंग है, और सब लड़कियाँ बाहर की तरफ जा रही है, और हम लोग भी बाहर ही जाएंगे क्योंकि हम लोगों की वैन भी आने वाली है। बट हमें गेट से चल के थोड़ी सी दूर जाना होता है मेन की तरफ, बिकॉज अंकल बिल्कुल गेट के पास नहीं आ सकते, ज़्यादा पास आना अलाउ नहीं होता वैंस को, तो हमें आगे चल के जाना होगा। वेदर भी बहुत मज़े का, ऐसे जैसे बस बारिश होने ही वाली है, और वही हुआ कुछ टाइम बाद बारिश स्टार्ट हो गई, लाइटनिंग भी हुई जिससे हम लोग बहुत डर भी गए, बट इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी बारिश ही हुई। सो वैन आ चुकी है गाइस, और अभी हम लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। तो सडनली हम लोगों का पापड़ी चाट खाने का प्लान बन गया सब वैन फेलोज का, और देन हम लोग वहाँ गए, और वहीं पे हम लोग सारा लेट हो गए। सो अभी हम अपने घर के करीब पहुँच चुके हैं, और मैंने इसके आगे रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज मैं बहुत थक चुकी थी। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़।